हेलो एवरीवन दोस्तों, वीवो और ओप्पो के दोनों ही मज़ेदार स्मार्टफोन आज अपने पास में है, तो देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतरीन रहता है। वीवो T144 की प्राइस है 4GB रैम 128GB स्टोरेज की 14,490 रुपये, और वहीं पर ओप्पो A57 जो कि आता है 13,999 रुपये में, जिसमें 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। T1 के बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर स्मॉल बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है। इसमें आपको सिर्फ एग्जिटर टूल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। ट्रांसपेरेंट कवर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है गाइज, लेकिन कुछ ही वक्त बाद में येलो पड़ जाता है। और एक एडेप्टर और टाइप सी USB डेटा केबल और स्मार्टफोन। और इसी के साथ में ओप्पो A57 के बॉक्स कंटेंट पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन और इसके नीचे आपको चार्जर एडेप्टर देखने को मिलता है ओनली, जिसके अंदर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में एयरफोन नहीं प्रोवाइड करवाए हैं कंपनी ने। इसमें आपको 33 वॉट सुपर बुक चार्जर मिलता है और वीवो T1 के अंदर 44 वॉट सुपर बुक चार्जर। इस स्मार्टफोन के बॉक्स के इस कंटेंट में देखा जाए तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सिम एग्जिटर टूल और अच्छी क्वालिटी में ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है, जो कि कैमरा प्रोटेक्शन भी बनाए रखेगा। फ्रेंड्स, लुक्स और डिज़ाइन में तो दोनों ही स्मार्टफोन बेहतरीन है। कैमरा लेआउट भी काफ़ी मज़ेदार है। और थिकनेस की बात करें तो ज़्यादा थिकनेस के अंदर पतला आपको वीवो T1 दिखाई देगा, जो कि सेम ही थिकनेस है, बट ज़्यादा कंफर्टेबल हाथ में T1 होगा। फ्रेम दोनों में ही प्लास्टिक देखने को मिलती है और बैक में भी आपको प्लास्टिक मिलेगी। ओप्पो A57 में डुअल रियर कैमरा है और वहीं पर वीवो T1 के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है। नीचे वाले कैमरे में आपको दो कैमरा लेंस दिखाई देंगे, 50 मेगापिक्सल +2+2 मेगापिक्सल, और ओप्पो के अंदर आपको 13+2 मेगापिक्सल। राइट साइड के अंदर वॉल्यूम डाउन अप की मिलता है। ओप्पो A57 में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा राइट साइड के अंदर। बॉटम साइड की बात करें तो आपको स्पीकर, टाइप सी USB पोर्ट, माइक होल और 3.5mm जैक दोनों में ही सेम देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको वीवो T1 के अंदर सिम ट्रे एंड सेकेंड रो माइक्रो होल और ओप्पो में बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगा। दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी लाइट वेट है। ओप्पो A57 में लेफ्ट में आपको सिम ट्रे मिलेगा। भाई, डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो वीवो T1 काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि इसमें एमुलेट डिस्प्ले मिलती है 6.44 इंच की, 60Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में बेस्ट है। और वीवो T1 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। और यहीं पर बात करें ओप्पो A57 में तो आपको IPS LCD 90Hz मिलेगी 6680 nits के साथ में 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले गाइज। और PPI की बात करें तो 269 PPI मिलता है। और जो ऐप्स वगैरह जो जल्दी ही ओपन वगैरह हो रहे हैं तो वो T1 में आपको काफ़ी फास्ट देखने को मिलेंगे, जैसे गाइज आप देख सकते हो। वीवो T1 में सॉफ्टवेयर आपको फनटच OS 12 एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस्ड है, और ओप्पो के अंदर भी आपको सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 12 जो कि कलर OS 12.1 पर बेस्ड है। तो सॉफ्टवेयर आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलते हैं, काफ़ी स्नैपी है और सिक्योर भी है गाइज एंड्रॉयड 12। इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ओप्पो में आपको 464GB वेरिएंट मिलता है, जिसमें आप 4GB रैम एक्सटेंड कर पाओगे। और वहीं पर आपको वीवो में भी 4GB में रैम एक्सटेंड करने के लिए 1GB रैम मिलती है, तो वीवो में आपको 5GB रैम एक्सटेंड की हुई मिलेगी टोटली मिला के, और ओप्पो में आपको 8GB रैम। तो यहाँ पर ओप्पो जी जाता है, लेकिन वीवो में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर हाई देखने को मिलता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 684G प्रोसेसर है 6nm की चिपसेट के साथ में बेस्ड है। और वहीं पर ओप्पो के अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G35 12nm की चिपसेट के साथ में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको एक बेहतरीन गेमिंग वगैरह करनी है तो T1 ओप्पो के अंदर आपको 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, सोनी का सेंसर लगा हुआ है, और 13+2MP का डुअल रियर कैमरा मिलता है। वीवो के अंदर आपको 50+2+2MP का रियर कैमरा, जिसमें आपको फ्रंट कैमरा 16MP का मिलेगा। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों, वीवो T1 44W ओप्पो A57 के कैमरे से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हो गाइज, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड फीचर्स भी प्रोवाइड करवाए हैं वीवो ने, जैसे कि आप मोर के अंदर देख सकते हो गाइज। और अब बात करें अपन वीडियो और फोटो के में, तो ओप्पो A57 में आप ओनली 5x जूम कर सकते हो, और वीवो में आपको वीडियो में जूम करने का मौका मिलेगा 10x तक जूम करने का।
तो गाइज अगर आप गेमिंग एंड अच्छी फोटोग्राफी के लिए चाहिए तो आप Vivo T1 44 वॉट की तरफ देख सकते हो गाइज, क्योंकि इसमें 44 वॉट फ्लैश चार्जर मिलता है, 5000 mAh बैटरी। और चार्जर की बात करें तो आपको Oppo A57 में 33 सुपर वूक चार्जर मिलेगा। लेकिन गाइज मेरे अकॉर्डिंग Oppo का चार्जर काफ़ी सही रहता है सुपर वूक में। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें वीडियो आपका कैसा लगा। अगर आप चाहते हो हम इसका चार्जिंग कंपैरिजन करें तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चार्जिंग भी टेस्ट करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और कैमरा टेस्ट भी करेंगे दोनों का कंपैरिजन करके कौन सा बेस्ट रहता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।